गाइस यार आज हम लोग जाने वाले खतरनाक चैलेंज करने जिसके अंदर कुंदी मत खुड़का हो राजा आओ सीधा अंडर आओ राजा चैलेंज करने के लिए। तो गाइस यार इस चैलेंज के अंदर क्या होगा ये है घोस्ट कम्युनिटी और गाइस यार ये एक दिन के लिए रहने वाली है हमारे एवेंजर्स के घर पर। हाँ सही समझा आपने आओ मेरे को भी रहना है। अरे इसमें भैया ये लोग उनके साथ क्यों रह रहे हैं हम क्यों नहीं रहते जाकर ये तो एक नंबर के बकवास है कबाड़े कहीं के कबाड़ी आ जाते मुंह उठाकर। नो सिंचेन मेरा भी मन था पर गाइस यार वीडियो इंटरेस्टिंग जब बनेगी जब घोस्ट कम्युनिटी रहेगी एवेंजर्स के घर पे हम तो रहते ही यार उनके साथ। तुम लोग देखना कि हम क्या कमाल करेंगे। अरे सबसे पहले अपना मुंह बंद कर मक्खी घुस जाएगी मुंह के अंदर। क्या बोला? आओ हाँ तेरे मुंह में मक्खी चली जाएगी पागल लोरा तू। क्या बोले कुत्ते मैं तेरे को मार डालूंगी कच्चा खा जाऊंगी। अले बोलो तई तो तेले पागल ओलत मुंह बंद तल्ले मत्ती तली दाई दी अंदल। गाइस देख रहे हो बिना मुंह का आदमी बोल रहा है यहाँ पर भाई सोच तो ले पर बोलने से पहले। अले मेली बेती तलना बंद तलो मेला फेत नहीं है तो तुम लोग मिला मदात मत उतार तलो हमें तो तुम लोग तो थी बतूल गोली है। अरे बोलना सीख ले तोतले अले मैं तुम तो दूंगा थी तुम तलो तो। अरे गाइस 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 यार मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा इस तोतले की बात। अरे वो सब ठीक है आखिर पेनीवाइज कहाँ रह गया? क्या मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ साइड में सुन रहा हूँ तुम्हारी सारी की सारी बातें चुप रहो ज्यादा मत बोलो तेरी ऐसे ले। अरे ये क्या कर दिया तुमने बहुत ज्यादा बोलता है लेट कैसे हो गया चैलेंज के लिए मैं तो जो लेट होगा उसको यही सिला मिलेगा। वेरी गुड सिंचन तूने बहुत अच्छा काम किया है। अरे सुमित भैया मैं तो हमेशा इसे अच्छा काम करता हूँ पता नहीं तुम कहाँ से गंदे आ गए। तुम देखना आज का चैलेंज में हम लोग कमाल कर देंगे एवेंजर्स के साथ रहकर मजा आने वाला है चलो। तो यहाँ पर देख रहे हो घोस्ट कम्युनिटी यहाँ पर ये चार दरवाजे हैं। अरे गाइस यार मैं तो भूल गया ताली कहाँ पर इनकी ताली। अरे तालों की ताली कहाँ है? ओए 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 तेरे पास ताली थी सिंचन ताली दे मेरे को। अरे समित भैया मेरे पास नहीं है। फिर तू क्या लेके आया घर से? अरे समित मैं तो चोको चिप्स लेके आया हूँ। अबे चोको चिप्स अबे उसका क्या करेगा ताली लेके आता ना घर से? अरे समित भैया चिल्लाओ मत ऐसे तो तुम भी नहीं लेके आए। मैं क्या नहीं लेके आया? अरे समित भैया दिमाग तो अपना घर पर ही भूल आए। आओ टेंशन मत लो समित मैं लेके आया हूँ। हाँ यार अगर चोप नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे तेरा तो वैसे ही कुछ नहीं होगा तू एक नंबर का गधा है। तो गाइस यार यहाँ पर देखो ये चार दरवाजे सुन रहे घोस्ट कम्युनिटी वाले। अरे नहीं यार वो सुन थोड़ी रहे वो तो देख रहे हैं पागल उन सबको दिख रहा है वहाँ पर चार दरवाजे तू कुछ नया बता रहा है क्या? अले हमें देख ले वो ताल दलवा देता ही बोल रहा है तीन तन हमको तालियां दे दल्ली थी। गालियां दू? अले तालियां। अच्छा तालियां दू तुम लोगों को मैं जल्दी से सारी तालियां दे देता हूँ। अब तुम इन दरवाजों के पीछे जाओगे हर दरवाजे के पीछे एक अलग एवेंजर रहता होगा। जाओ तुम में से देखते हैं कौन सा बंदा कौन सा एवेंजर के साथ रहने जाएगा। गाइस यार देखते लोगों का क्या हाल होता है। चल मैं जाकर देखता हूँ किस दरवाजे के पीछे कौन है यहाँ पर धप्पा। अरे गाइस ये कौन है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अबे भूत नहीं है भूत जोकर तेरे को समझ नहीं आता चुपचाप अपनी लाइन में खड़ा हो जा इस बार सरकार नहीं यहाँ से तो थप्पड़ बजा दूंगा तेरे को चल निकल यहाँ से। इत पेनीवाइज को कोई काम नहीं है क्या तो भी गंते माली बेचती तलवाता लेता बेतलम तई का खुद की तो कोई इज्जत नहीं माली भी नहीं लेने देता। अरे ठीक है चलो इज्जत को मालो गोली चलो हो जाए आज का चैलेंज स्टार्ट जाओ जल्दी से अंदर। जब से चैलेंज स्टार्ट बोल रही हो स्टार्ट किया नहीं है तो मैं जाऊंगी सबसे पहले। अरे बुढ़िया बात सुन ले किसी को परेशान किया तो पहली बता रहा हूँ जाके उनका हुक्म मानना है जो भी वो बोलेंगे। चुप कर नादान सिंचन तुझे कुछ नहीं पता है मैं इस वाले दरवाजे के पीछे जाऊंगी यहाँ पर पक्का टोनी रहता होगा बिलियनेयर आदमी। ये रहा मेरा सपनों का महल पर ये महल इतना ज्यादा छोटा क्यों है आखिर मैं ये कहाँ पर आ गई ये किस एवेंजर का घर है एकदम कटारा से लग रहा है चलो नीचे चलती हूँ कौन सा एवेंजर है यहाँ पर। अरे ये तो स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका है अब तू यहाँ क्या कर रहे है? मैं हूँ स्टीव रोजर्स क्या तुम आई हो ग्रैनी मेडिसन रहने के लिए? हाँ मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ आना तो नहीं चाहती थी कहीं और ही जाना चाहती थी ये क्या तुम्हारा घर है? और क्या किसी बंदर का दिख रहा है क्या? अरे नीले बंदर क्या खटारा घर में रहते है तू? क्या करूँ पैसा ही नहीं देता कोई। अरे यहाँ पर कोई टीवी नहीं है क्या मैं सोचे टीवी ही देख लो। ओ तेरे पापा ने लगवाया है यहाँ पर टीवी जो तू टीवी देखेगी यहाँ पर और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर ले। क्या बकवास कर रहे है यहाँ पर तो कोई दरवाजा भी नहीं है और खिड़कियाँ भी टेढ़ी हुई है। ओ शरारती बच्चे है ना शीशे तोड़ दिए। काश तेरा सिर तोड़ दिया होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना होता। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है क्या कोई ना टीवी ना कुछ क्या करेंगे हम लोग
लगी एक दिन पूरा। ग्रैनी एक काम करो, मैं भी बोर हो रहा हूँ, तुम एक काम करो नाच के दिखाओ। दिखाओ तुम कैसे नाचती है। क्या मैं नहीं नाचूंगी। नाचना तो तुझे पड़ेगा बसंती, वरना कुत्तों को आगे भाग दूंगा। ले तो देखो मेरा डांस, देखो देखो कैसे नाचती हूँ मैं, ये ये ये। क्या बकवास है ये, ऐसे कौन नाचता है, ये पागलों की तरह मत नाचो, कुछ अच्छे स्टेप्स दिखाओ। ये देखो मेरी टांग गोरी गोरी, मैं घूमू रे गोरी गोरी, देखो ऐसे बजाया, ये देखो कैसे नाचती मैं, ये देखो। वाह वाह वाह, मजा आया, क्या नाच रही हो तुम, मजा आ गया, माशाल्लाह। और बता, ठुमके ठुमक के दिखा रानी, ठुमके लगा। अरे कोई गाना तो बचाओ। अरे यहाँ पर ये जन्मजात सिंगर बैठा है, चलो मैं गा देता हूँ गाना। ओ बुढ़िया नाचे उल्टी टांग कर कर, बुढ़िया के सिर में नहीं है अंडे, बुढ़िया खाएगी डंडे, ओ बुढ़िया। क्या गाना है, वेरी नाइस, नाचो नाचो नाचो। क्या गाना गा रहा, कुछ अच्छा तो गा। ठीक है, इस बार अच्छा गाऊंगा। ओ ग्रैनी की मम्मी कौन है, ग्रैनी के नीचे क्या है, ग्रैनी के पीछे क्या है, ग्रैनी का पाद है गोरा, नाचे वो थोड़ा थोड़ा, देख के मैं तो शर्मा गई, ग्रैनी के नीचे क्या है, ग्रैनी के पीछे। क्या मैं पूरे दिन ऐसे ही नाचने वाली हूँ इस पागल के साथ। नाचो, वेरी नाइस। कानों में दर्द हो गया। अरे सुमित भैया क्यों, अबे तू क्या कचरा गाना गा रहा था। अरे सुमित तुम मेरे टैलेंट को नहीं पहचानते, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि टैलेंट किसे बोलते, मैंने कितना अच्छा गाना गाया। गाइस यार बताओ कैसा गाना गाया है मैंने, और ये पेनीवाइज का बच्चा अभी तक सो रहा हो, खड़े हो जा भूतनी के। अरे क्या खड़े होने का टाइम हो गया, मैं सोचा कि सिंचन के गाने से चुपचाप सोता रहूं, कान में ही दर्द हो गया था, तो मतलब अब मेरी बारी है जाने की। चलो अब मैं जाता हूँ, और देखना मैं जाऊंगा डेक्टोन स्टॉक के घर पर। हाँ जोकर चल काम कर अपना। हाँ, जोकर करेगा मुझाज, तुम लोग देखते ही रह जाओगे। आओ इस जोकर को फेंक रहे हो यहाँ से, तो मैं फेंकूं। हाँ जोकर चला जा चुपचाप बिन पिटे, आराम से जाना है तो। मैंने इसे अच्छे से देखा, ये वाला दरवाजा सबसे ज्यादा महंगा लग रहा है, मतलब टोनी स्टार्क का घर इसके पीछे ही होगा। चलो चलता हूँ, ये इतना बड़ा महल, अब मैं करूंगा राज। हमेशा से मैं एक राजा बनना चाहता था, अब इस महल पे राज करूंगा। आइला ओए जोकर। जोकर कौन बोला रे। आइला तेरे पीछे देख, ओए जोकर के बच्चे पीछे देख। रे तुम कौन हो। आइला मैं हूँ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अरे टोनी स्टार्क कहाँ पर है। अरे आइला वो तो अपने घर पर है ना। मतलब ये टोनी स्टार्क का घर नहीं है। आइला ये कोई घर वर नहीं है, ये बच्चों का स्कूल है। स्कूल है क्या, मैं स्कूल में आ गया। आइला हाँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई घर नहीं है ना, मैं तो स्कूल में रहता हूँ। अरे अंकल जोकर। अरे आप कौन मेरे को जोकर बोल रहे। अरे अंकल मैं बोल रहा हूँ आपको जोकर। अंकल आप जोकर हो ना, हंसाओ ना हमको। अंकल प्लीज हमको हंसा लो ना प्लीज। अंकल हंसा के दिखाओ ना हमको। हाँ भाई हंसा के दिखा रहे जोकर, टमके लगा रहे जोकर, जोकर जोकर जोकर। क्या अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर हंसाऊंगा। इम्पॉसिबल, मैं किसी को भी नहीं हंसाने वाला। आइला अगर तेरे को मेरे साथ रहने तो तेरे को जोकर गिरी तो करके दिखानी पड़ेगी। पहले जोकर का मेकअप कर लिया, अब तू जोकर गिरी नहीं करेगा। मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। आइला देख ले बेटा, मारूंगा बहुत बुरा। ठीक है पर मैं करूँ क्या, जोकर गिरी करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, ये रही जोकर की साइकिल, चल हो जाए शुरू। क्या मैं जोकर गिरी साइकिल के साथ करके दिखाऊं। अरे अंकल हाँ, स्टंट माल के दिखाऊं, स्टंट जोकर की तरह स्टंट मालो। अब तुम लोग देखना कि मैं जोकर की तरह कैसे स्टंट मारता हूँ। ए मैं ये क्या काम कर रहा हूँ, देख बच्चे देख। आला अच्छे से कर, क्या कर रहा है। जोकर गिल गया पागल जोकर। अरे समित भैया इस जोकर के मुंह पे पाद दू जब करेगा अच्छे अच्छे काम। अरे तुम लग बस देखना सिंचन, तुझे पादने की कोई जरूरत नहीं है, पर इस बार जोकर अच्छे वाले स्टंट करके दिखाएगा। अब देखना तुम लोग कि जोकर करेगा करतब, देखो। अरे जोकर फिर से गिल गया, पागल जोकर गिल गया। मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा, बच्चे को और खुश करना होगा। तो गाइस यहाँ पर जोकर ने ले रही है जोकर गिरी को काफी ज्यादा सीरियस, और ये जोकर नीचे जा रहा, और ये भाई साहब जोकर ने खाए मुंह की। अरे अंकल मजा आया अंकल बहुत अच्छा किया आपने, आप तो बहुत अच्छे हो अंकल। ओला साओ थोड़ा, ओला अच्छा करके दिखाओ। बच्चे अगर एक बार तू मेरे पास आ गया तो खा जाऊंगा। आइला क्या बोला रे,
अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। देखो बच्चे, अब मैं कैसे बंदर की तरह इसके ऊपर चढ़ता हूँ, पेड़ के ऊपर, देखना तुम। पड़ गया मैं तो, आई लग गई। अरे समित भैया, ये जोकर तो आग पिटने वाला है, ढंग से चलो हम लोग वापस चलते हैं। छी 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 छी। अरे समित भैया, छी छी मत बोलो, अभी दो गोबर और बच रहे हैं। आओ मैं तो कहता हूँ गोबर को नाली में फेंक देते हैं। अरे चलो जोकर, तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो और निकलो यहाँ से। देखो किन दरवाजों के पीछे है क्या। अरे समित भैया, ये दरवाजा हटाओ, ये क्यों है यहाँ पर? हटा दिया, चिल्ला क्यों रहा है? अरे समित भैया, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं आता ना, इसलिए चिल्लाना पड़ता है। ओए पुंगी मैन, ओए बिना फेस के आदमी, जाओ यहाँ से। अले इतबाल मैं दाऊंगा, तुम लोग देखना बत, मेल को मैं दाऊंगा तोनी तल के गलपल, तोनी के तात रहूंगा और तोनी का थाला पैथा उदाऊंगा। अब तो तुम लोग देखते रहना मैं कितने मदे तलने वाला हूँ, जल्दी जाता हूँ। आओ उसको काटो, आराम से चला जाएगा, वरना मैं सिंचन को कहकर उसके मुंह पर इतने टेट पाड़ूंगा कि बेहोश हो जाएगा शर्मी। चुप, तू टेंशन मत ले, टोनी का कलोदो का पैता मेला इंतजाल तल्ला है, ले ले। अले लेटा, ये नीला नीला थमुंदल तीतता है ले, ये त्याती दे में तो तू तमदे नहीं आला, ये आते तीतता है ले। अले ये था, अले तू चीती दल का दलवाता है, लगता है ये टोनी तल का गल का दलवाता है। टोनी टोनी, हल से बात करो पीछे मुड़कर। अले ये तीती आवाज है। ओए बिना फेस के आदमी, इधर इस तरह बात कर मुझसे। अले तौन बोल रहा है? अले ये ता पला दिया मैं, ये तो बीत पला गया, और ये हली तत्ती तौने। क्या बोला? हरी टट्टी, तू हल्क को हरी टट्टी बोला, मैं तेरे को मार डालूंगा। अले हल्क तुम, मैं तुम्हारे पत्ता तल्ला हूँ। हल्क के साथ रहना है तुम्हें आज एक दिन। अले पल वो तो ठीक है, मैं तुम्हारे तात ले लूंगा, तुम्हारा गल कहाँ पल है? हल्क का कोई भी घर नहीं है, हल्क ऐसे आवारा घूमता है। अले ये क्या, अले मैं तो आवाला नहीं हूँ, तुम तो कुत्ते हो, आवाला घूमते हो, मैं कुत्ता नहीं हूँ। क्या बोला? हल्क को तूने कुत्ता बोला? अले 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 ऐसा मत बोलो भाई, मारना मत प्लीज मेरे को। अरे सर आपका बर्गर तैयार हो गया, खा लीजिए। हल्क को बर्गर खाना, चुप रहना अब ठीक है? हल्क को टट्टी लग गई, हल्क के लिए वॉशरूम लेके आओ। अले कैसी बात कर ले, तुम्हारा तो कोई गल नहीं है। मुझे नहीं पता, हल्क के लिए वॉशरूम लेके आओ, हल्क को फ्रेश होने जाना है, बहुत तेज पोटी लग रही है। अले अले मैं तातल हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए टॉयलेट लेके आता हूँ, ये लो मैं तुम्हारे लिए टॉयलेट लेके आ गया, चलो अब दल्ली चीज के अंदर तत्ती तल लो। तुम तो बहुत अच्छे हो सिलेंडर मैन, तुम तो मेरे लिए बहुत काम के हो। अले मतलब तुम चाहते ना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना घर बनाने वाला हूँ। अले क्या बकवास है ये? अभी रुको बताता हूँ तुम्हें। अले ये क्या बकवास तल्ला है, अपना घर बनाएगा मेले को, मतलब ये आते ना ताता है? अभी रुकना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अले ये क्या, तुमने अपनी वोटिंग मशीन, अपना टॉयलेट और अपनी दल फलैंड और अपना डस्टबिन थाली तीदे मेरे हाथों में दे दी, तुम पागल हो गए होते, मैं तैतल हूँ इनके साथ। अरे तोतले, तुझे क्या पता, तू मेरे बहुत काम आएगा, अब मैं तेरे ऊपर सारा घर का सामान लाद दूंगा, तू मेरा चलता फिरता 24/7 वाला घर बन जाएगा। अले अले ये तो मिलता नहीं तापी होती, अले प्लीज भैया लोको। हल्क के साथ आओ, तुम आज से हल्क का घर हो, तुम हल्क का सारा सामान उठाओगे, डायपर से लेके वाइपर सब तुम संभालोगे, चलो आओ सिलेंडर मैन मेरे साथ आओ। अरे समित भैया, सिलेंडर मैन के हाथों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, आओ। हाँ बिल्कुल। अबे ओए ओ पुंगी, चल निकल ले यहाँ से, बताऊँ उससे पहले तुझे। तुम लोग देखना अब सारे दरवाजे खुल चुके हैं, मतलब आखिरी दरवाजा बचा है टोनी स्टार्क के घर का, मतलब मैं आराम से बहुत सारे पैसे उड़ाऊंगा, टोनी स्टार्क के सारे पैसे आज से मेरे हैं। ये क्या, ये टोनी स्टार्क का घर कितना ज्यादा अच्छा है, आखिरकार मैं 1 करोड़पति बन ही गया, सायरन हेड आखिरकार 1 करोड़पति बन चुका है, कितनी सारी सुपर कार्स है, इन सभी के अंदर बैठ के मस्त घूमूंगा, मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कहाँ पर है टोनी स्टार्क? टोनी स्टार्क यहाँ पर तो एक बनी भी है। हेलो बनी, कैसे हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे सायरन हेड तुम हो क्या? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आखिरकार तुम आ ही गए, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या कौन बोला ये? अरे मैं हूँ टोनी, और कौन बोलेगा? अरे टोनी तुम मेरे दोस्त। अरे दोस्त वो छोड़ो, अभी बहुत ज्यादा काम है, वो काम करना होगा हमें जल्दी सी। क्या करना होगा मुझे? एक काम करो, जल्दी से बाहर जाओ और जितनी भी वो गाड़ी दिख रही है बाहर सभी को साफ कर दो, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, जल्दी जाओ यहाँ से। क्या ये करना जरूरी है? हाँ ये करना जरूरी है, जब भी हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, जल्दी जाओ। अरे ये क्या, मुझे तो गाड़ियाँ घुमानी थी ना कि सफाई करनी थी, ये सब क्या चल रहा है, क्या है ये सब? अरे 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 सायरन हेड मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल है,
क्या टोनी, क्या करवाना चाहते हो? अरे तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे साथ बैठो, हमें एक बहुत जरूरी काम है। क्या कहीं घुमाने ले जा रहे हो? नहीं नहीं, जल्दी बैठो तो। अब मजा आने वाला है, क्योंकि मैं टोनी के साथ घूमने जाने वाला हूँ, मजा आएगा आखिरकार। अरे नहीं नहीं, हम घूमने वूमने नहीं जा रहे, मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे मेरी असल में गाड़ियों में एक भी हॉर्न नहीं है। मतलब हॉर्न नहीं है तो? अरे मैं तुम्हारा आज बहुत ज्यादा अच्छा वाला यूज करने वाला हूँ, गाड़ी के अंदर हॉर्न नहीं है तो तुम आज से हॉर्न बजाओगे मेरे लिए। क्या बकवास कर रहे हो, चलो हॉर्न बजाओ जल्दी सी, दिए देखो कैसे पागल की तरह गाड़ी चला रहे, हॉर्न बजाओ इनके आगे जल्दी, जो गाड़ी को हटाए आगे से। अभी रुको बजाता हूँ। अरे वाह वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब ये लोग हट जाएंगे, देखो ये लोग रास्ते से हट गए, शाबाश, तुम्हारे हॉर्न बजाने से मेरा बहुत यूज हो रहा है, शाबाश। अरे ये क्या, मैं कहाँ पर फंस गया, ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। शाबाश हॉर्न बजाओ, कुत्ते के लिए हॉर्न बजाओ, आगे गाड़ी है हॉर्न बजाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। गाइस यार, अवेंजर्स ने तो भाई गोस्ट कम्युनिटी की बैंड बजा दी। हाँ समित भी ऐसा ही कह रहे हो। गाइस यार उनको तो ढंग से बैंड बजा दी यार, उनको क्या लगा कि वो गोस्ट कम्युनिटी अवेंजर्स के साथ रहेंगे तो यार वो लोग ऐश करेंगे, पर नहीं भाई उनकी तो बहुत बुरी वाली की है। हाँ समित भी बहुत बुरी की है। गाइस यार तुम लोग बताओ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा बुरी किसके साथ हुई है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी मेक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार भूल पड़ के सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में, जब तक ले सायोनारा।